दिन सातवां, डोब्बास पेट से कृष्णगिरी। कल के खराब दिन के बाद हमने सोचा था कि आज जल्दी सफर को शुरुआत करेंगे, लेकिन आज हमें उठने में देरी हो गई। चैन ड्राई हो गई थी, इसलिए हम पेट्रोल पंप पर ऑयल ले रहे थे। आसमान पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ था, मानो कि ऐसा लग रहा था कि आज के दिन बारिश होने वाली है। बीच बीच में आ रही चढ़ाई के कारण हमारी साइकिल की गति धीमी हो रही थी। अब सूर्योदय और खूबसूरत नजारे को भूलकर हमारी साइकिल तेजी से बेंगलुरु की ओर बढ़ रही थी। आठ बज रहे थे और बेंगलुरु शहर अभी भी 28 किलोमीटर दूर था। रास्ते में एक साइकिल राइडर ने हमें बाहर निकलने का आसान रास्ता बताया, लेकिन हम बेंगलुरु शहर में कुछ जगह देखना चाहते थे, इसलिए हम अपने रास्ते से निकल पड़े। साढ़े नौ बजे हम नाश्ते के लिए एक होटल में रुक गए। भीड़ का सामना करते हुए हमने बेंगलोर शहर में हमारा सफर जारी रखा। रास्ते में हमें श्री सर्कल मरम्मत देवी का मंदिर दिखाई दिया। इस मंदिर की वास्तुकला, मूर्तिकला इतनी सुंदर थी कि हमें तस्वीरें लेने का मन हो गया और हमने वहीं रुककर तस्वीरें ली। जब हम बेंगलुरु पैलेस पहुंचे तो लगभग 11 बज रहे थे। हमने वहां टिकट खरीदे, प्रत्येक 240 रुपए, और हम महल देखने लगे। वहां फोटोग्राफी प्रतिबंधित था, इसलिए हम अंदर का दृश्य अपने कैमरे में कैद नहीं कर सके। महल देखकर बाहर आने में हमें लगभग एक घंटा लग गया। वहां पर मौजूद सुरक्षा गार्ड के लोगों ने भी हमारे साथ सेल्फी ले ली। चिन्ना स्वामी स्टेडियम को बाहर से ही देखते देखते हम आगे बढ़ रहे थे। ट्रैफिक बहुत था और हम ट्रैफिक के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए बेंगलुरु शहर से बाहर निकल रहे थे। इस टू से हम जा रहे थे और हमारे पीठ पर पुणे कन्याकुमारी पढ़कर सांगली के एक व्यक्ति ने हमारे साथ मुलाकात की। लगभग 3 बज चुके थे और हम बेंगलुरु सिटी के बाहर आ गए थे। वहां हम दोपहर का खाना खाने के लिए रुक गए। हम जहां भी रुकते थे वहां पे लोग हमारे साथ तस्वीरें खींचने में बहुत उत्साहित होते थे। कुछ समय बाद हमने तमिलनाडु राज्य में प्रवेश किया। पे स्टेट चेंज हो रहा था, इसलिए रोड पे काफी ट्रैफिक थी। ट्रैफिक की वजह से हमें बहुत बार साइकिल से नीचे उतरना पड़ा। होसुर शहर में आते आते हमें 4 बज गए।
कोई चढ़ाई नहीं थी तो साइकिल ने रफ्तार पकड़ ली थी। गर्मी बहुत थी इसलिए हम बीच बीच में नारियल पानी पीने के लिए रुकते थे। रास्ते में कभी चढ़ाई तो कभी उतार के साथ हमारा सफर जारी था। और इसके साथ मेरे साइकिल के सीट का नट ढीला हो गया, उसे टाइट करने के लिए हमें रुकना पड़ा। लगभग शाम के 7:30 बज चुके और हम कृष्णागिरी में पहुंच गए। वहां पर हमें जल्दी ही लॉज मिल गया। हमने हमारी साइकिलें रूम में ही रख ली। रोज की तरह फ्रेश हो गए, कपड़े धोए और खाना खाने के लिए होटल की तलाश में निकल पड़े। ही श्री सरावण भवन वेज होटल में रात्रि का भोजन किया। इसी के साथ हमारा 7वां दिन 148 किलोमीटर का साइकिल सफर तय करके समाप्त हुआ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही बाकी सफर के दिलचस्प वीडियो अपलोड करेंगे।